दोस्तों लगातार कांवड़ के बेड़े यहाँ से निकल रहे हैं, देख सकते हैं लगातार झूला कांवड़ निकल रही हैं, कलश कांवड़ निकल रही हैं। ये ताज़ा दृश्य देख रहे हैं दोस्तों, 20 जुलाई के दिन सुबह के 8 बजे हैं दोस्तों, देख सकते हैं भारी मात्रा में जो भोले हैं यहाँ से निकल रहे हैं। हर हर महादेव, जय गंगे मैया। दोस्तों आज 20 जुलाई के दिन आपका एक बार फिर से स्वागत है हरिद्वार हर की पौड़ी से। आज की इस वीडियो में आपको हर की पौड़ी के ताज़ा दृश्य दिखाऊंगा दोस्तों, वीडियो में लास्ट तक बने रहना। कल गुरु पूर्णिमा है तो गुरु पूर्णिमा की थोड़ी सी जानकारी मैं आपको दूंगा, क्योंकि भारी संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु जुटने वाले हैं गुरु पूर्णिमा के दिन, और ऐसे में समस्याएँ हो जाएंगी, जैसे जाम की समस्या, भारी भीड़ के कारण आपको रूम नहीं मिलेगा, रूम की समस्या। इन सभी समस्याओं की जानकारी और समाधान मैं इस वीडियो में देने वाला हूं दोस्तों, वीडियो में लास्ट तक बने रहना। साथ ही मैं आपको बताऊंगा, अगर आप आज और कल मनसा देवी, चंडी देवी और नीलकंठ महादेव की यात्रा करना चाहते हैं तो आपको कहां कहां कितनी समस्या आएगी, पूरी जानकारी देने वाला हूं दोस्तों, वीडियो में लास्ट तक बने रहना। अभी आप ताज़ा दृश्य देख रहे हैं दोस्तों, धनुष पुल के सामने से और गंगा मैया का रौद्र रूप देख सकते हैं, भारी मात्रा में जल आज आ रहा है हर की पौड़ी पर, जैसा कि आप सामने देख सकते हैं। सभी श्रद्धालु रेलिंग के अंदर ही स्नान कर रहे हैं, और ये शिव पुल के आप ताज़ा दृश्य देख रहे थे, भारी संख्या में जो कांवड़िए निकल रहे हैं यहाँ से जल ले लेकर। और अगर यहाँ से आप ऊपर देखेंगे तो मनसा देवी के भी दिव्य दर्शन होते हैं दोस्तों, कमेंट में जय माता देवी लिखते रहें दोस्तों। दोस्तों अगर आप सामने देखेंगे सुभाष घाट और गऊ घाट के ऊपर भी आपको बहुत ज़्यादा कांवड़िए नज़र आने वाले हैं दोस्तों, भीड़ इतनी ज़्यादा है दोस्तों, कांवड़ियों की लाखों की संख्या में कांवड़िए आज पहुँचे हुए हैं और जल उठा रहे हैं दोस्तों। और जैसा कि उत्तराखंड सरकार और उत्तराखंड टूरिज्म का अनुमान है कि 5.5 करोड़ कांवड़िए यहाँ से जल उठाकर लेकर जाएंगे, तो दोस्तों ऐसे ऐसे प्रतिदिन भीड़ बढ़ती रहेगी और लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचेंगे। और दोस्तों आज तो वैसे भी भीड़ यहाँ पर बढ़ेगी, क्योंकि कल गुरु पूर्णिमा है और गुरु पूर्णिमा का शाही स्नान यहाँ पर होने वाला है, 10 से 12 लाख श्रद्धालु यहाँ पर स्नान करने के लिए पहुँचेंगे। तो दोस्तों ऐसे में आपको विशेष सावधानी बरतनी है अगर आप हरिद्वार की यात्रा पर आ रहे हैं तो। दोस्तों इस लोहे के पुल से आप देख सकते हैं गंगा मैया का तेज़ बहाव, दोस्तों जल स्तर काफ़ी है। मैं रोज़ सभी श्रद्धालुओं को यही वार्निंग देता हूं दोस्तों, सावधानी के साथ स्नान करें, किनारे पर स्नान करें, कोई जल्दबाजी ना करें स्नान करने में, और बिल्कुल गंगा मैया की मर्यादा को पालन करें दोस्तों, क्योंकि अनहोनी होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। कल ही एक लड़का फंस गया था लहरों में दोस्तों, बड़ी मुश्किल से बचाया उसको। तो दोस्तों ऐसी ऐसी सावधानियाँ मैं आपको गिनाऊँगा कि पिछले भी कई मेले हुए हैं दोस्तों यहाँ पर, हर एक मेले में 10 से 12 लोग या 20 के समथिंग लोग यहाँ पर गुम हो जाते हैं, वो मिलते नहीं दोस्तों। इसलिए दोस्तों आपके साथ आ रहे सभी परिवारजनों, बच्चों का विशेष ख्याल रखना है दोस्तों इस कांवड़ मेले के दौरान और इस गुरु पूर्णिमा के स्नान के दौरान, क्योंकि भारी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचने वाले हैं दोस्तों। दोस्तों अभी आप नाई घाट के ताज़ा दृश्य देख रहे हैं, देख सकते हैं भारी संख्या में भोले यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, और पूरा खचाखच है भोले के भक्तों से, कांवड़ियों से दोस्तों। जहाँ भी आपकी नज़र जाएगी हर जगह आपको कांवड़ी ही कांवड़ी नज़र आएंगे दोस्तों। अभी आप भागीरथी पुल से ताज़ा दृश्य देख सकते हैं नाई घाट के, और ऊंची ऊंची लहरें यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, इसलिए बार बार मैं बोल रहा हूँ सावधानी के साथ स्नान करें, बहाव काफ़ी तेज़ है हर की पौड़ी पर। और देख सकते हैं दोस्तों नाई घाट के ताज़ा दृश्य, काफ़ी श्रद्धालु संस्कार कार्य कराने के लिए पहुँचे हैं, लेकिन ये प्लेटफॉर्म देखोगे तो पूरा जो प्लेटफॉर्म है दोस्तों कांवड़ियों से भरा हुआ है, और जगह जगह आपको कलश कांवड़, झूला कांवड़, सब तरह की कांवड़ नज़र आ जाएंगी दोस्तों। अभी मैं बात कर लेता हूं अगर आप मनसा देवी, चंडी देवी और नीलकंठ महादेव की यात्रा करना चाहते हैं, और क्योंकि भारी भीड़ हरिद्वार के अंदर पहुंच रही है फिलहाल, तो दोस्तों तीनों मंदिरों पर आपको भारी भीड़ देखने को मिलेगी और आपको दर्शन करने में कम से कम 4 से 5 घंटे का समय लग जाएगा, क्योंकि मनसा देवी मंदिर पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुँच रहे हैं फिलहाल, और दर्शन करने में काफ़ी टाइम लग रहा है दोस्तों। अगर आप मनसा देवी और चंडी देवी की यात्रा को उड़न खटोले से करना चाहते हैं तो दोस्तों वहां पर वेटिंग बहुत ज़्यादा है दोस्तों, 3 से 4 घंटे का आपको इंतज़ार करना पड़ सकता है। इसलिए दोस्तों मैं बार बार सभी यात्रियों से यही सजेस्ट करता हूं कि यात्रा को ज़्यादा से ज़्यादा पैदल करें, क्योंकि दोस्तों उड़न खटोले में आप पैसे भी देंगे और पूरा टाइम आपका वेस्ट हो जाएगा, और अपना समय बचाने के लिए दोस्तों आपको ये यात्रा पैदल करनी चाहिए। दूरी ज़्यादा नहीं है दोस्तों, 1.5 किलोमीटर की दूरी पर दोनों मंदिर बने हैं और आप आराम से पैदल यात्रा कर सकते हैं दोस्तों। और मनसा देवी, चंडी देवी में आपको भारी भीड़ मिलने वाली है। बात करें नीलकंठ महादेव की दोस्तों, नीलकंठ महादेव की यात्रा भी आप पैदल ही करेंगे तो बेस्ट रहेगा, क्योंकि दोस्तों नीलकंठ महादेव का जो रूट है वो सिंगल रूट है, और हल्का सा मौसम ख़राब होने पर या फिर थोड़ा सा भीड़ होने पर वहाँ पर भारी जाम लग जाता है, अगर आप जाम में फंस गए तो आपको 5 से 6 घंटे ऐसे ही निकल जाते हैं दोस्तों। अगर आप यात्रा को पैदल करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा सहूलियत मिलेगी, बहुत ज़्यादा कांवड़िए आपको पैदल यात्रा में मिलने वाले हैं, जिससे आपको कोई परेशानी नहीं होगी, आराम से बात करते हुए इस यात्रा को कर सकते हैं, और जगह जगह आपको लंगर सेवा मिलेगी, भंडारे मिलेंगे, और दोस्तों
आपको पानी की सुविधा भी वहाँ पर निःशुल्क मिलने वाली है रास्ते में। और अगर आप मंदिर पहुँचते हैं दोस्तों, नीलकंठ महादेव मंदिर पर भी आपको भारी भीड़ देखने को मिलेगी इस टाइम, क्योंकि वहाँ पर सावन के महीने में 2-2 किलोमीटर लंबी लाइनें लग जाती हैं। और दोस्तों वहाँ पर दर्शन करने और जलाभिषेक करने के लिए आपको कम से भी कम 1-1.5-1.5 घंटे या 2-2-3-3 घंटे का भी समय लग जाता है दोस्तों। इसलिए सावधानी के साथ इन सभी मंदिरों की यात्रा करें, अपना टाइम टेबल सेट कर लें, कौन से मंदिर को कितना समय देना है। दोस्तों भीड़ तो सब जगह मिलने वाली है। दोस्तों ये है अपडेट तीनों मंदिरों की। भारी भीड़ हरिद्वार के अंदर आप देख रहे होंगे, जितने भी घाट हैं सभी खचाखच हैं। और दोस्तों देख सकते हैं आज जो श्रद्धालु हैं वो भी पहुँचे हुए हैं, क्योंकि दोस्तों मैं आपको बता दूँ जो नाई घाट है और जो मुख्य ब्रह्मकुंड घाट है दोनों सेफ़ हैं जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनके लिए। यहाँ पर आपको कोई भी कावड़िया नहीं मिलेगा। अगर आप नाई घाट के प्लेटफॉर्म पर या फिर घंटाघर चौक पर आप स्नान करने जा रहे हैं तो आपको काफ़ी परेशानी होगी, क्योंकि इस घाटों पर आपको पूरे कावड़ी नज़र आएंगे। दोस्तों अगर आप नाई घाट पर देखेंगे दोस्तों भारी मात्रा में आपको झूला कावड़ नज़र आ जाएंगी और लगातार कलश कावड़ यहाँ से निकल रही है दोस्तों, देख सकते हैं। दोस्तों अभी नाई घाट के प्लेटफॉर्म से मैं धनुषपुर के सामने गंगा मैया का रौद्र रूप दिखा रहा हूँ। दोस्तों देख सकते हैं ऊंची ऊंची लहर उठ रही हैं। दोस्तों नाई घाट पे और मुख्य घंटाघर घाट पर आपको संभल संभल के चलना पड़ेगा, क्योंकि जगह जगह इतनी कावड़ रखी है दोस्तों, जल खंडित ना हो जाए इसलिए आपको संभल संभल के चलना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा भीड़ है दोस्तों, पैर रखने की जगह नहीं है। दोस्तों देख सकते हैं काफ़ी ये झूला कावड़ यहाँ पर रखी हुई हैं, भोले निकलने के लिए तैयार हैं, जल इन्होंने उठा लिया है। दोस्तों देख सकते हैं दोस्तों बोलबम बम बम के जयकारों से गूंजती हुई पूरी तीर्थ नगरी। अभी मैं तो घंटाघर घाट पर गया नहीं हूँ, घंटाघर घाट पर अपार भीड़ है दोस्तों, लगभग लाखों की संख्या में भोले के भक्त यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। अभी मैं आपको ताज़ा दृश्य दिखा रहा हूँ नाई घाट से, अभी मैं आपको लेकर चलता हूँ मुख्य घंटाघर घाट पर और आपको दिखाता हूँ ताज़ा हाल। देख सकते हैं दोस्तों घंटाघर घाट के शुरुआत से ही आप देखेंगे काफ़ी कलश कावड़ झूला कावड़ रखी हुई हैं और दोस्तों अपार भीड़ है, इसलिए आप यहां पर सावधानी बरतें। दोस्तों अगर आप गुरु पूर्णिमा के स्नान पर आ रहे हैं या फिर कावड़ यात्रा में आ रहे हैं दोस्तों, यहां पर आपको विशेष ध्यान रखना है अपने बच्चों का, अपने परिवार का दोस्तों, अपने सामान का, क्योंकि जैसे ही भीड़ बढ़ती है दोस्तों हर की पौड़ी पर जो चोरी की घटनाएँ लगातार बढ़ जाती हैं। दोस्तों सामने जो देख रहे हैं ये ब्रह्मकुंड घाट का अस्थि प्रवाह घाट है। दोस्तों देख सकते हैं काफ़ी श्रद्धालु यहाँ पर भी अपना संस्कार कार्य कराने के लिए पहुँचे हैं, जैसे अस्थि विसर्जन पिंडदान कराने के लिए पहुँचे हैं। और आगे देखेंगे तो आप दोस्तों वो मुख्य आरती घाट है दोस्तों, ब्रह्मकुंड घाट का घाट पूरा डूबा हुआ है दोस्तों जल के अंदर और बहाव काफ़ी तेज़ है दोस्तों। इसलिए मेरी बार बार श्रद्धालुओं से यही विनती है कि सावधानी के साथ स्नान करें और इंस्टेंट बिल्कुल ना करें। दोस्तों घंटाघर घाट पर आगे जाने से पहले मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दे दूं, अगर आप गुरु पूर्णिमा पर या फिर सावन के महीने में हरिद्वार आ रहे हैं तो दोस्तों आपको रूम की व्यवस्था कहाँ करनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों हर की पौड़ी के आसपास जितने भी होटल धर्मशाला हैं वहाँ तो आपको रूम नहीं मिलेगा क्योंकि सभी फुल हो गए हैं। अगर आप यहाँ पर रूम लेना चाहते हैं तो रेलवे स्टेशन के आसपास काफ़ी धर्मशाला हैं होटल हैं जहाँ पर आप अपना ऑप्शन रख सकते हैं, नहीं तो आप भीमगोड़ा खड़खड़ी साइड में आप जा सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर भी आपको काफ़ी धर्मशालाएँ होटल तथा आश्रम मिल जाएंगे जहाँ पर आप रुकने की व्यवस्था कर सकते हैं। दोस्तों हमारे पास काफ़ी होटल धर्मशाला तथा आश्रम को कॉन्टैक्ट नंबर हैं, आप हमको इंस्टाग्राम पे कमेंट कर सकते हैं, हमारी इंस्टाग्राम आईडी है chunky_rahi, हमें कमेंट कर सकते हैं, हम उस डेट में आ रहे हैं, हम आपको अच्छे से होटल धर्मशाला या फिर आश्रम का नंबर प्रोवाइड करा देंगे जहाँ पर आप बहुत ही कम पैसों में अच्छा सा रूम लेकर रह सकते हैं। देख सकते हैं दोस्तों भारी मात्रा में भोले के भक्त पहुँचे हुए हैं और यहाँ पर भोले जी की प्रतिमा रखी हुई है, एक संकल्प होता है जिसको लेकर जाते हैं। और दोस्तों देख सकते हैं काफ़ी झूला कावड़ रेडी की जा रही है, काफ़ी कलश कावड़ रेडी की जा रही है, जहाँ भी आपकी नज़र जाएगी कावड़ ही कावड़ आपको नज़र आने वाली है। दोस्तों काफ़ी विशाल कावड़ यहाँ से निकल रही है दोस्तों जल लेकर, इस स्थान पर भी देख सकते हैं दोस्तों काफ़ी तरह तरह की कावड़ आपको दिख रही होंगी और यहाँ से देख सकते हैं काफ़ी झूला कावड़ निकल रही है जल लेकर। और दोस्तों जो सिलसिला है भोले को निकलने का वो जारी है दोस्तों यहाँ से, क्योंकि ये सभी भोले रात आए थे, अभी सुबह जल उठा लिया, ये निकल रहे हैं यहाँ से, अभी 9 बजने वाले हैं दोस्तों देख सकते हैं। दोस्तों देख सकते हैं भारी भीड़ घंटाघर चौक पर और दोस्तों साइड में देखने को मिल रहा है नॉर्मल श्रद्धालु भी घंटाघर चौक पर पहुंच रहे हैं,
क्योंकि यहाँ पर माताओं बहनों के लिए जो ये चेंजिंग रूम बनाए हुए हैं इनके कारण यहाँ पर माताएं बहनें पहुँच रही हैं स्नान करने के लिए। दोस्तों अच्छी बात है, लेकिन बहुत ज़्यादा भीड़ हो जा रही है यहाँ पर, दोनों तरीके की श्रद्धालु हो जा रहे हैं दोस्तों, कांवड़िए भी हो जा रहे हैं, नॉर्मल श्रद्धालु हो जा रहे हैं। दोस्तों इसीलिए मैं आपसे बार बार बोल रहा हूँ, यहाँ पर हर की पौड़ी पर जो मुख्य घंटाघर चौक है इस पर आप देखेंगे जो नॉर्मल कांवड़ी है और जो श्रद्धालु वो भी स्नान करने के लिए पहुँच रहे हैं। कल भी ऐसी स्थिति बनी रहेगी जिस कारण यहाँ पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु जुट जाएंगे और एकदम अव्यवस्था का माहौल यहाँ पर बनना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों ऐसे में चोरी होने के बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाएंगे दोस्तों, इसलिए अपने सामान की ज़रूर सुरक्षा रखें, अपने परिवारजनों का ख्याल रखें दोस्तों, और सावधानी के साथ स्नान करें। दोस्तों आपकी जो सावधानियाँ हैं बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं अगर इसी घाट पर कांवड़िए और नॉर्मल श्रद्धालु पहुँचने लगते हैं तो, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर गुरु पूर्णिमा का एक विशाल मेले का आयोजन किया जाएगा, साथ ही कांवड़ मेला भी चल रहा है लगातार। दोस्तों अगर आप ब्रह्मकुंड की साइड में देखेंगे तो पूरा घाट झूला कांवड़ों से भरा हुआ है दोस्तों, देख सकते हैं तरह तरह की कांवड़ यहाँ पर रखी हुई हैं, बिल्कुल भी स्पेस नहीं है श्रद्धालुओं के लिए, पूरा घाट खचा खचा दोस्तों देख सकते हैं ये श्रद्धालु हैं जो स्नान करने के लिए पहुँचे हैं, राजस्थान से हैं। बाकी इधर आप देखेंगे तो पूरे जो नज़र आएंगे आपको भोले के भक्त नज़र आएंगे। तो दोस्तों देख सकते हैं बहुत ज़्यादा श्रद्धालु पहुँचे हुए हैं, कांवड़िए पहुँचे हुए हैं, कांवड़ रेडी हैं, निकल गए हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये हैं ताज़ा दृश्य 20 जुलाई के दिन के, भारी मात्रा में आज भोले के भक्त यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और जो गुरु पूर्णिमा का स्नान है वो भी शुरू हो चुका है। तो दोस्तों दो दो तरह के श्रद्धालु यहाँ पर पहुँच रहे हैं, कुछ स्नान करने वाले पहुँच रहे हैं, कुछ भोले के भक्त पहुँच रहे हैं। तो दोस्तों भारी मात्रा में भक्त पहुंच रहे हैं यहां पर दोस्तों, एकदम अव्यवस्था का माहौल बना हुआ है दोस्तों, इसलिए सावधानी के साथ यहां पर रहें। दोस्तों 20 जुलाई की इस ताज़ा वीडियो में इतना ही, मैं आशा करता हूं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और हरिद्वार ऋषिकेश की ऐसी ही ताज़ा वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें।